गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर, क्लास 7 हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का परिचय। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेकिन आप जब भी कोई वीडियो देखें, मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी। देखिए, मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। देखिए, आप जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अपने घर में कुछ भी आप बर्तन रखते हैं या कपड़े रखते हैं, आप किसी भी बॉक्स में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं या सेफ में रखते हैं, तो उसको स्पेस, जगह चाहिए होती है किसी भी सामान को। ऐसे कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो उसे वापस लेते हैं, वह डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। यह दो भागों में बटी होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ पर जो मेन मेमोरी होती है, वो कौन सी होती है कंप्यूटर की? प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटी होती है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, वो मेमोरी जो ट्रांसफरेबल है, यानी जिसको आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, सीडी या फिर डीवीडी या पेन ड्राइव। इसमें जो भी डाटा होता है, आप उसको मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। बात करते हैं आगे प्राइमरी मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसका जो नेचर है वो कैसा हो सकता है, चंचल, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर की मेमोरी कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसकी क्या होता है, कई छोटे छोटे आपके बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें डाटा सेव होता है, जिसमें आप किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं। देखिए, रैम की बात क्या होती है, जब भी आप काम करते हैं और काम करते हुए अगर लाइट चली जाए, तो जो भी आपका डाटा है वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। यानी रैम में अगर कोई आपका डाटा है और किसी कारणवश लाइट चली जाए, तो जो आपका डाटा है वह भी आपका फिनिश हो जाएगा, यानी हमारे काम को सेव नहीं करता। इसलिए इसकी नेचर कैसी है, बोले ताली। रैम यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टैटिक और दूसरी कौन सी होती है, डायनेमिक। रैम आपकी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। जहां हमारे क्वेश्चन तैयार होता है कि लोकेशन किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय लोकेशन। लोकेशन क्या होता है, आपको बता देता हूँ। लोकेशन होता है एड्रेस, यानी के पता। तो इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। ये वर्ड जब आपको समझना है, तो नहीं है आज के लिए, नहीं है। थैंक यू।